छः महीना तक लगातार लाला को जन्मोत्सव मनायो गयो। यहाँ कंस ने ब्रज से मथुरा से ब्रज के लिए अपनी बहन पूतना को भेजा। नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा में गए, वसुदेव जी से मिलना हुआ और यहाँ पूतना ब्रज में आई है। ब्रज में ब्रजवासी झूम झूम के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुरमा दीनो दर्पण दीनो कंघी दीनी बाल की, कंठा और कठूला दीने दीनी मुक्ता माल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। पूतना आई है सुंदर श्रृंगार करके और ब्रजवासियों ने देखा। पूतना ने पूछा जसोदा जी का घर कौन सा है, ब्रजवासियों ने दिखा दिया ये नंद जसोदा का घर है। और वहाँ पर ब्रजवासी जसोदा जी ने पूतना को बैठाया कि आप देखो, आप लाला को खिलाओ, मेरे यहाँ पर अतिथि आए हैं, मैं उनको सत्कार करूँगी। और पूतना ने विचार किया बाल कृष्ण लाल पलना में सोए भए हैं और पूतना अपने स्तनों से जहर लगा करके, कालकूट विष लगा करके आई है भगवान कृष्ण को मारने के लिए। यहां पर बड़ा सुंदर भाव कि जैसे ही पूतना ने विचार किया, जब पूतना भगवान को मारवे के लिए आई है तो बाल कृष्ण लाल 7 दिन के हैं केवल, और विचार कियो कि मैं इसको गोदी में लेकर के स्तन पान कराऊं और जैसे ही ये स्तन पान करेगा तो इसका प्राणांत तो हो जाएगा। पूतना जैसे ही पलना के पास में गई तो पलना के पास में जब पहुंची तो पलना बाल कृष्ण लाल ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। यहां पर संतों ने बड़े बड़े दिव्य भाव दिए हैं। बताया है कि पूतना को देख करके भगवान ने आंखें क्यों बंद की, भगवान का जो है चिंतन कर रहे हैं, भगवान शिव जी को याद कर रहे हैं और कहते हैं हे भोले बाबा, मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाएवे के लिए आयो हूँ, मैं तो दूध पीवे के लिए आयो हूँ ब्रज में, लेकिन यह जो पूतना है ये मोको विष देवे के लिए चली आई है। हे भोलेनाथ, विष पीने की आदत तो आपकी है, आप आओ मेरे मुखार बिंद में आके बैठ जाओ और आप विष पान कर लेना और मैं दूध पी लूंगा। और पूतना ने बाल कृष्ण भगवान को गोद में उठायो और विष से लगा हुआ वह स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। विचार किया कि थोड़ा बस अभी पिएगा और मर जाएगा, लेकिन भागवत में लिखा है भगवान बाल कृष्ण लाल ने पूतना के स्तन को जकड़ करके पकड़ लिया, पीते 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 और उसके प्राणों को पीने लगे भगवान। अब उसको लगा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं और वो कहती है छोड़ छोड़ छोड़, अरे लाला छोड़। लेकिन 7 दिन के भगवान बाल कृष्ण लाल बोल गए और कहते हैं मौसी जी, अब तो हम तुम्हें ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। और पूतना ने भयंकर रूप धारण कर लिया, भयंकर रूप धारण कर लिया और जैसे ही भयंकर रूप धारण हुआ तो आकाश के समान शरीर हुआ और भगवान ने उसका स्तन पान करते करते उसके प्राणों को पी लिया, पान कर लिया और पूतना गिरी धड़ाम से। और जब पूतना गिरी धड़ाम से तो भागवत में लिखा है कि 6 कोस की पूतना थी। 6 कोस का मतलब कितना हो गया, 18 किलोमीटर की पूतना थी। तो उसके नीचे आकर के बहुत से गांव पेड़ पौधा सब चकनाचूर हो गए। ब्रजवासी ने ब्रज गोपी ने देखो बहुत भलाई बुरी कही जसोदा मैया सो और उठायो बाल कृष्ण लाल को
और जो बूढ़ी बूढ़ी मैया हैं कन्हैया को ले गई और कहवे लगी, अरे जसोदा तू देखे ना है, हर काऊ के हाथ में लाला को दे दे है। बूढ़ी बूढ़ी मैया ले गई हैं बाल कृष्ण लाल को, स्नान करवायो है और स्नान करवा के गौशाला में खिरक में ले गई और खिरक में जाके और गैया की पूछ सो बाकी कन्हैया की नजर उतार रही है। देखो एक बात बताऊं आपको, अगर किसी के बच्चा को नजर लग जाए, किसी के बालक को नजर लग जाए तो फिर बोले घर में मैया जो हैं राई नोन करती हैं, बहुत सी माताएं बत्ती उतारती हैं। लेकिन सबसे अच्छा उपाय है अगर काहू के बालक को नजर लग जाए तो गैया की पूछ सो ठाकुर जी को नाम लो, हे गोविंद हे माधव हे मदन मुरारी, ऐसे नाम ले लेकर के झाड़ो पांच छह बार, उतर जाएगी नजर। और फिर ऐसी नजर उतर जाएगी फिर लगेगी नहीं जल्दी। ब्रज की गोपिन ने जो वृद्ध वृद्ध गोपियां हैं उनने बाल कृष्ण लाल को माधव गोविंद कहकर के उनकी नजर उतारी, झाड़ा दियो। और ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को ले जाकर के जमुना के किनारे पर जला दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखो जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं, जिसका स्वरूप अच्छा नहीं, ऐसी पूतना को भी ठाकुर जी ने माता की गति प्रदान कर दी। और आज ब्रज में जहां पर भगवान का अवतार होता है वहां पर भोले बाबा जरूर आते हैं। आज ब्रज में भोले बाबा आए दर्शन करने के लिए बाल कृष्ण लाल का। जब रामलला रूप में भगवान ने अयोध्या में अवतार लियो तो अयोध्या में भोलेनाथ गए, और जब ब्रज में कन्हैया के रूप में आए हैं, कन्हैया अवतार लेके आए हैं, तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए। और भोले बाबा ने आए के जोर सो अलख जगाई, अलाह खोल दे पलाक देख ले झलका झलक। जसोदा मैया ने खिड़की सो झांक के देखो, बोली कहा चाहिए बाबा? बोले तेरे लाला के दर्शन चाहिए। मेरे लाला के दर्शन? अरे बाबा तेरो इतनो भयंकर रूप है, मैं अपने लाला को कैसे तो को दिखाऊं। बोले तेरे लाला को हम आशीर्वाद दे रहे हैं मैया, तू अपने लाला को दर्शन करवा दे। कि जुग जुग जीवे री जसोदा मैया तेरो ललेना, जुग जुग जीवे री जसोदा मैया तेरो ललेना, जुग जुग जीवे री जसोदा मैया तेरो ललेना, युग जुग जीवे री जसोदा मैया तेरो ललेना। तेरो ललना तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना, युग युग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। देखो अगर नींद सता रही है तो कन्हैया की बधाई में थोड़ो सो नाच लो, अपने आप नींद भाग जाएगी। बैठे बैठे कथा जानते हो क्या है? कथा फूलों की सैया है, फूलों की सेज है, और फूलों की सेज पर तो लेटते ही तुरंत नींद आती है। इसलिए थोड़ा सा नाच लो नृत्य कर लो नींद भाग जाएगी। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना, युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना, तेरो ललेना नदरानी तेरो ललेना, ओ तेरो ललेना ओ तेरो ललेना, युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना, युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना।
भागिन तो माते यशोदा ऐसो सुत तिन जायो ओ बड़े भागिन ते माते यशोदा ऐसो सुत तिन जायो पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी तेन गोद खिलायो ओ पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी तेन गोद खिलायो याकू डाली झुलावे पलना तेरो ललना याकू डाली झुलावे पलना तेरो ललना तेरो ललना नदरानी तेरो तेरो ललना तेरो ललना जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना ओ युग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना देखो हमको पता है कुछ लोगों का मन भी कर रहा है नृत्य करने का लेकिन फिर भी शर्म के मारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कन्हैया की बधाई है भाई, शर्म मत करो। अगर किसी का मन है नृत्य करने का तो आप खड़े होकर के कर सकते हैं। ठाकुर जी के सामने कोई शर्म नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। जब होए जसोदा मैया कह के बोले धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले नोपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले नोपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले बाबा की हो पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना ओ युग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना ओ नंदरानी तेरो ललना यशोदा तेरो ललना बोलो नंद के लाला की जय शंकर भगवान की जय भोले बाबा आशीर्वाद देते हैं कहते हैं मैया तेरे लाला को आशीर्वाद दऊं मैं तेरो लाला जुग जुग जीवे और तो जसोदा मैया जो है खिड़की से पूछ बोली बाहर आई निकल के और कहवे लग गई बाबा आपको कहा चाहिए मैया मोकू कछु नहीं चाहिए सिर्फ अपने लाला के दर्शन करवाए दे
यशोदा मैया ने कही लाला को दर्शन करवा दूं बाबा। अरे बाबा, ब्रज के जो गामन वृंदावन तो मानो एक सिटी है, यहाँ पर 30% ब्रजवासी हैं, 70% सब बाहर से हैं, ब्रजवासी हैं यानी। लेकिन जैसे ब्रज के लोकल गांव हैं, जैसे गोवर्धन है, नंदगांव, बरसाने में जो ब्रज के लोकल गांव हैं, वहां पर यहाँ ब्रज की गोपी पतो कहाँ कहेंगी, हाय रे बाबा तैने तो जुलम कर दियो, तू कहा के बाबा मैं अपने लाला को दर्शन करवाए दूं तो को। अरे बाबा देख तो बाबा तेरे गले में कितने बड़े बड़े स्याप पड़े, ये अपनो मोह फार के जीप लप लपा में है, लप 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 लप। ओ बाबा तेरी इतनी बड़ी बड़ी जटा है बाबा, तेरी जटा तो देख पीछे धरती में सरकती भी चली आ रही है। और बाबा तेरे कानन में कितने बड़े बड़े कारे कारे बिच्छू लटक रहे हैं, तेरे नाक पे है के बाबा कांतर डोल रही है, कांतर। अब तो कांतर समझ गए होंगे ना किससे कहते हैं, कांतर वही जो घूमती है जिसमें कांटे होते हैं, वो कभी कभी निकल आती गर्मी में घरों में, हैं? खन खजूरा, खन खजूरा। और बाबा तेरे शरीर में चिता की राख, बाबा देख सिर जैसो तेरो मोह बनो भयो है, मैं लाला को दर्शन बाबा तो कु नाय कराऊंगी। भोलेनाथ बोले क्यों मैया, क्यों ना करवावेगी, अरे मैं यूं ना करवाऊंगी कि तेरे रूप को देख के बाबा मोकू डर लगे है और मोए डर लग रहे हो है, तो मेरो लाला तो छोटो सो है पलना में सो रहे हो है, तेरे या रूप को देख के डर जाएगो बाबा, मैं लाला को दर्शन ना कराऊंगी। देख बाबा तुमको जो चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती मूंगा पन्ना जवाहरात मणि मुक्ता हार जो चाहिए सो ले जाओ, अंबर कंबर पाट पटंबर तूमा सोटा लोटा लंगोटा जो चाहिए सो ले जाओ, लेकिन बाबा आटा दाल चावल सब्जी घी बूरो जो चाहिए सो ले जाओ, लेकिन लाला को दर्शन ना करवाऊंगी। भोलेनाथ बोले मैया ये जो तुम चीज देने के लिए मुझको बता रही हो ये मुझे नहीं चाहिए माँ। ना चाहिए तेरो पाट पटांबर, ना चाहिए तेरो पाट पटांबर, ना चाहिए कंचन माया, अपने गोपाल के, अपने गोपाल के दरस कराए दे, यही मेरे गुरु ने बताया। माता मोकू तेरी कंचन माया नहीं चाहिए, मोकू तो अपने गोपाल के दर्शन करवा दे, मेरे गुरु ने तो यही कहा। यशोदा मैया बोली देख बाबा और तो सब ठीक ठीक है मैं, लेकिन लाला को दर्शन तो कू नाय कराऊंगी। भोलेनाथ बोले देख मैया अगर तू मोकू अपने लाला को दर्शन नाय करावेगी तो हम योगी हैं, और अगर हम हट करके बैठ गए तो देख तेरे द्वार पर हट के 12 साल की धूनी रमा देंगे और तेरे लाला को दर्शन करके ही जाएंगे, कबू तो तेरो लाला बाहर निकलेगो, बड़ो होएगो घर से बाहर निकलेगो। मैया बोली देख बाबा अगर तुम धूनी रमा के बैठ जाओगे तो बैठ जाओ, 12 साल की धूनी रमा दो, हम 24 साल तक अपने लाला को घर से बाहर नहीं निकालेंगे।
बैठे रहो और मेरे घर के द्वार में जो है, मेरे घर में, मेरे महल में, इतना बड़ा जसोदा जी का महल था कि एक महल में 85 चौक थे। थोड़ा कठिन बात है समझना, ऐसा ही समझ लो कि इतना बड़ा महल था कि यहां से लेकर के और मथुरा तक चले जाओ और फिर यहां से सीधे गोवर्धन चले जाओ, इतना बड़ा जसोदा जी का महल था। आप अंदाज लगा सकते हैं। मैया बोली, मेरे घर में 15 द्वार हैं, मेरे महल में 15 द्वार हैं। अरे तुम एक द्वार पे बैठ जाओ बाबा, मैं दूसरा द्वार खोल लूंगी। बाबा बोले, मैं वहां भी बैठो मिलूंगो। बोले, तीसरा द्वार खोल लूंगी, मैं वहां भी बैठो मिलूंगो। मैं चौथा द्वार खोल लूंगी, बोले मैं वहीं बैठो मिलूंगो। लेकिन मैया, तेरे लाला को दर्शन करके ही जाऊंगो। मैया बोली, तो को लाला को दर्शन ना कराऊंगी। बाबा दुखी हो गए और वहां से बोले, ठीक है मैया, बहुत हठी हो, मत दर्शन कराओ, और चले गए भोलेनाथ। जैसे ही भोलेनाथ गए तो भोलेनाथ के जाते ही बाल कृष्ण लाल ने रोना शुरू कर दिया। इतनी जोर जोर से रोते हैं, इतनी जोर जोर से रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं कि चुप ही नहीं होते हैं। मैया ने बहुत प्रयास किया चुप करवाए को, लेकिन लाला चुप ना हुए। अब तो कन्हैया के रुदन को सुन के, कन्हैया के रोवे की आवाज सुन के आस पास ते सब गोपियां दौड़ी भई चली आई। ब्रज की गोपी आ गई और पूछ भी लग गई, अरे मैया, अरे यशोदा जी कहाँ है गयो? आज तुम्हारो लाला काहे को रोवे है? आज तुम्हारो कान्हा काहे को रोवे है? यशोदा जी बोली, पतो ना बहना, कहाँ है गयो या लाला को? बोली, आपको नजर तो ना लग गई? बोली, भाई कौन की नजर लगी होगी? बोली, यहाँ तो कोई आयो तो ना सुबह थे? बोले, आयो तो कोई ना है। जसोदा मैया बोली, भाई यहाँ तो कोई ना आयो, ऐसो ना है कहूं मेरी नजर लग गई हो मेरे लाला को। देखो, माँ बाप की नजर भी अपने बच्चों को लग जाती है, और माँ बाप की नजर इतनी खतरनाक होती है कि पहाड़ के पत्थर को भी फोड़ देती है, ऐसी नजर होती है। कि यहां तो कोई ना आयो, तो गोपी बोली, ऐसो तो ना है काऊ ने टोना मार दियो हो, टोना या के मारे तुम्हारो लाला रोए रहे हो? टोना, हाँ, कि कौन सी ने, अरे कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, यदि मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। लोना दूध न पीवे लाला, दही न खावे लेना माखन लोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, ओ रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। तोड़ दियो है खिलौना, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीने मार दियो री टोना, यारी मेरो मचलो श्याम सलोना।
गई मैंने दियो नया के माथे बीच डिठोना नहावे ना धोवे याने शुद्ध बिसराई ओ नहावे ना धोवे याने शुद्ध बिसराई तोड़ी दियो है खिलौना हो कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचिलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचिलो श्याम सलोना जायो श्याम इन सखियन संग नचोना इन गोपिने की नजर बुरी है हो इन गोपिने की नजर बुरी है परिचय दे मानो ना कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचिलो श्याम सलोना सीने मार दियो री तो ना मेरो मचिलो श्याम सलोना सीने मार दियो री तो ना मेरो मचिलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियो री तो ना मेरो मचिलो श्याम सलोना कौन सीने मचिलो श्याम सकीरी मेरो मचिलो श्याम सलोना सकीरी मेरो मचिलो श्याम सलोना काहू ने टोना तो ना मार दियो मेरे लाला को फिर जसोदा मैया को याद आयो और कहवे लग गए सखियो आज सुबह एक बाबा आयो और बाबा कहवे लग रहे हो कि अपने लाला को दर्शन करवाए दे मैंने वासो मने कर दीनी तो वहाँ के जाते ही मेरो लाला रोएवे लग गयो तो गोपी बोली ऐसो दिखे मैया कि वो बाबा ही कच्चू कर गो दिखे अब तो बाबा को बुलाओ जब भाई लाला चुप हो गो बोले बाबा को कैसे बुलावे बाबा तो चले गयो इतकू गयो है बोले इतकू चले गो बोल के लइयो सखी और कह दीजो कि मैं लाला को दर्शन करवाए दूंगी गोपी दौड़ी दौड़ी गई और देखा एक वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे हैं शांत और भोलेनाथ से गोपी बोली अरे बाबा चलो कि चल रे जोगी दंद भवन में तो यशोदा मात बुलावे और वाके लाल को नजर लगी तो पिराई नोन करवावे वाके लाला को नजर लग गई है बाबा चल बोले नाथ बोले मुझे देख करके उसका लाला डर जाएगा इसलिए मैं नहीं जाता अरे ना डर है वो चलो बाबा बुला रही है मैया भोलेनाथ पहुंचे वहां पर और जैसे भोलेनाथ गए तो मैया जसोदा लाला को बाल कृष्ण लाल को गोदी में लेकर के बाहर आई और
भोलेनाथ बोले ला मैया मेरी गोदी में लाला को देव। मैया बोली बाबा या के कछु ऐसो कर दे दूर ती कि या को रोएबो बंद है जाए। जी रोवे ना रोएबो बंद है जाए या को। भोलेनाथ बोले ऐसो ना है सके जब तक मेरी गोदी में आप अपने लाला को नए दोगी तब तक तुम्हारो लाला चुप ना होएगो। अच्छो तो डरते डरते मैया जसोदा ने लाला को शंकर भगवान की गोद में दियो। अब तक तो जसोदा मैया की गोदी में कन्हैया बहुत जोर जोर से रो रहे हते। अब जैसे ही भोलेनाथ की गोदी में गए तो बाल कृष्ण लाल खिलखिलाए के खिल करके हंसने लग गए। अतो मैया बोली जसोदा मैया ला बाबा मेरो लाला मुकुद दे दे। और जैसे ही जसोदा मैया ने फिर बाल कृष्ण लाल को लियो तो फिर बाल कृष्ण लाल फिर रोएबे लग गए। अब तो फिर भोलेनाथ ने गोदी में ले लिया तो भोलेनाथ की गोदी में जाकर फिर हंसने लग गए। अब तो मैया जसोदा की गोदी में आमे।